बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह और दिलचस्प वीडियो मिल सके। इस वीडियो में तकरीबन 100 तक एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में हैं। पहला क्वेश्चन है, 1,24,000 टोटल नंबर ऑफ प्रोफेट, 1,24,000 टोटल अंबिया हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1,00,000 कंपेनियन एकॉम्पेनाइड प्रॉफिट एट लास्ट हज, 1,00,000 लोग इकट्ठे हुए थे आखिरी हज के मौके पर जब आप सल्लम अदा कर रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, 1,10,000 इज लानिसाब ऑफ इरीगेटेड प्रोड्यूस्ड। तीसरा क्वेश्चन है, 1,10,000 इज द निसाब ऑफ इरीगेटेड प्रोड्यूस, आपाशी पर 1/10 एरी निसाब मुकर्रर है। इतना यानी आपाशी का जो ज़मीन है उस पर 1/10 हिस्सा है। नंबर चार क्वेश्चन है, 10 इज़ द नंबर ऑफ अंकल्स एंड 6 आंट्स, आप सल्लम के अंकल जो थे वो 10 थे और उसकी आंटी जो थे आंट्स थे चची थे वो 6 थे। पांचवा क्वेश्चन है, 10 वर्चूज आर ब्लेस्ड फॉर रिसिटेशन ऑफ वन वर्ड्स ऑफ कुरान, 10 नेकियां मिलते हैं, कितने नेकियां मिलते हैं कुरान पाक के एक लफ्ज तलावत करने से 10 नेकियां मिलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, 10th नबी वाज कॉल्ड उमुल हुजन ईयर ऑफ ग्रीफ, 10 नबी को उमुल हुजन कहते हैं यानी गम का साल कहते हैं। छठे एमसीक्यूज में जो छठे क्वेश्चन में जो 10 नबी है उसको उमुल हुजन भी कहते हैं और गम का साल भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेफ, 10वें साल प्रॉफिटहुड के नबूवत के 10वें साल को ईयर ऑफ ग्रेफ यानी गम का साल भी कहते हैं। नंबर आठ क्वेश्चन है, टोटल यानी 114 टोटल नंबर ऑफ सूरा, 114 सूरा है पुराने पाक में। नाइन क्वेश्चन है, 12 गजवात डिस्क्राइब इन द होली कुरान, कुरान पाक में 12 गजवात का जिक्र आया है यानी ये बयान हुए हैं 12 गजवात। दसवां क्वेश्चन है, 10 बोज आर इन कुरान, कुरान पाक में 14 बोज आर इन कुरान, कुरान में 14 सजदे हैं, कुरान में कितने सजदे हैं 14। दसवें क्वेश्चन में, कुरान में कितने सजदे हैं 14। ग्यारह क्वेश्चन है, 1st अशरा ऑफ रमजान, रमज़ान के पहले अशरा को अशरा रहमत कहते हैं। 12 क्वेश्चन है, 1st कलमा तैयबा, 2nd शहादत है, 3rd कलमा तमजीद, 4th कलमा तोहीद, 5th कलमा इस्तिग़फ़ार, 6th कलमा रद कुफर। 13 क्वेश्चन है, 2 टाइप्स ऑफ फैथ, अकायद के 2 किस्म हैं, 2 टाइप्स ऑफ फैथ। 14 क्वेश्चन है, 22 ईयर आफ्टर आदम तूफान नू अकर्ड, 2242 साल बाद आदम अलैहिस्सलाम के 2242 साल बाद तूफान नू वाकिया हुआ यानी कितने साल के बाद आदम अलैहिस्सलाम के कितने साल के बाद तूफान नू वाकिया हुआ था, 2242 साल। 15 क्वेश्चन है, 25 डोर्स आर इन मस्जिद हराम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोर ऑफ काबा इज बाबुल सलाम, 25 दरवाजे हैं मस्जिद हराम में जबकि सबसे अहम जो काबे का दरवाज़ा है उसका नाम है बाबुल सलाम। 16 क्वेश्चन है, 25 प्रॉफिट मेंशन्ड इन द होली कुरान, कुरान पाक में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। कुरान पाक में 16 क्वेश्चन में यानी कुरान पाक में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। 17 क्वेश्चन है, 26th नाइट ऑफ रजब इज द नाइट ऑफ एक्सेशन, 26 रजब को नुजुल की रात भी कहते हैं। 18 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ गजवात, 27 गजवात हैं, टोटल नंबर ऑफ गजवात 27 हैं। 19 क्वेश्चन है, मदनी सूरा 28 हैं, 28 मदनी सूरा जबकि मक्की सूरा 86 है और मदनी सूरा यहाँ पर दिए गए हैं 28 मदनी सूरा। 20वां क्वेश्चन है, टोटल
29 total number of muqta'at. Muqta'at वो अल्फाज अलिफ आफ अलिफ लाम मीम की तरह जो अल्फाज हैं काफ या गाइन स्वाद इस तरह के जो अल्फाज हैं वो कितने हैं कुरान में 29 हैं उसको मुक्तात कहते हैं। 21 क्वेश्चन है सेकेंड अशरा इज अशरा मगफिरत दूसरा अशरा रमज़ान में जो तीन अशरे हैं दूसरा अशरे को अशरा मगफिरत कहते हैं। 22 क्वेश्चन है थ्री सहीफे व रिवील टू इब्राहिम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तीन सहीफे नाजिल हुए थे। 22 क्वेश्चन में अगर ये सवाल आपसे पूछें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए थे तीन सहीफे नाजिल हुए थे। 23 क्वेश्चन है थ्री सूरा स्टार्ट स्टेट विद या अय्युहन्नबियो तीन सूरा शुरू होते हैं या अय्युहन्नबियो से। 24 क्वेश्चन है 30 सहीफे व रिवील टू इद्रीस हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए थे। 25 क्वेश्चन है 35 वाज एट द एज एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद एंसीडेंट यानी हजर पाक सल्लम का उम्र मुबारक जो था हजर अस्वद के मौके पर 35 साल था। जहां 25 सवाल में ये सवाल पूछा गया 35 वाज द एज एट द टाइम ऑफ हजर अस्वद इंसीडेंट आप सल्लम का जो उम्र मुबारक था हजर अस्वद के मौके पर वो 35 साल था। 26 क्वेश्चन है 37 टोटल नंबर ऑफ सूरा इन लास्ट पारा 37 सूरा है आखिरी पारे में जो आखिरी पारा है उसमें तकरीबन 37 सूरा है। 27 क्वेश्चन है थर्ड अशरा अशरा निजात तीसरे अशरे को अशरा निजात कहते हैं। 28 क्वेश्चन है फोर किंग एक्सेप्टेड इस्लाम व्हेन होली प्रॉफिट सल्लम सेंड देम लेटर्स जब आप सल्लम ने चार बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया जब आप सल्लम ने उसके पास खतूत भेजे कितने यह सवाल इस तरह भी आ सकता है कि कितने बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया जब आप सल्लम ने उनको खतूत भेजे चार बादशाहों ने इसको कबूल किया था। 29 क्वेश्चन है फोर मास्क मेंशन इन द होली कुरान कुरान पाक में कितने मस्जिद का जिक्र आया है चार मस्जिद का कुरान पाक में जिक्र आया है फोर मास्क मेंशन इन द होली कुरान 29 क्वेश्चन है फोर मास्क 30 क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है फोर प्रॉफिट वर सेंट टू बनी इसराइल बनी इसराइल को कितने पैगंबर भेजे गए थे चार पैगंबर भेजे गए थे। इस तरह यह सवाल पैदा हो सकता है कि हाउ मेनी प्रॉफिट वर सेंट टू बनी इसराइल कितने पैगंबर इसराइल को भेजे गए थे फोर प्रॉफिट। 31 क्वेश्चन है फोर सूरा स्टार्ट विद कुल कुल से कितने सूरा शुरू होते हैं चार सूरा शुरू होते हैं। 32 क्वेश्चन है 45 कंपेनियन वर विद प्रॉफिट इन माइग्रेशन टू मदीना 45 साथी थे आप सलम के पास जब आप सलम हिजरत कर रहे थे किसकी तरफ मदीना की तरफ उस वक्त आप सलम के साथ कितने साथी थे 45 साथी थे। 33 क्वेश्चन है 48 टोटल नंबर ऑफ रकात्स आर इन फर्ज प्रेयर 48 रकात हैं फर्ज नमाज में कितने रकात हैं 48 रकात हैं। 34 क्वेश्चन है फाइव आर्टिकल ऑफ फेथ यानी इस्लाम के पांच बहाने हैं फाइव आर्टिकल्स हैं इस्लाम के। 35 क्वेश्चन है फाइव के मान 40 गोट 3 काउ एंड बफेलो इज निसाब फॉर ज़कात यानी ज़कात जिस पर फ़र्ज है पांच ऊंट हो आपके पास 40 बकरियां हो 3 गायें हो और बफेलो हो यानी 3 बफेलो भी हो तो फिर आप पर ज़कात अदा करना फ़र्ज है। 36 क्वेश्चन है 558 रुकूज यानी कुरान पाक में 558 रुकूआत हैं। ये 36वें क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन है 600,000 हदीस कलेक्टेड बाय इमाम बुखारी इमाम बुखारी ने कितने हदीस इकट्ठे किए थे 600,000 हदीस उन्होंने इकट्ठे किए थे। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि 600,000 हदीस किसने इकट्ठे किए थे इमाम बुखारी ने इकट्ठे किए थे। ये सवाल दो किस्म के आ सकता है। और 38 क्वेश्चन है सिक्स सूरा स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रॉफेट
छह सूरह पैगंबरों के नाम से शुरू होते हैं। पैगंबरों के नाम से कितने सूरह शुरू होते हैं? छह सूरह। 38 क्वेश्चन में, सिक्स सूरह स्टार्ट विद द नेम ऑफ प्रोफेट। छह सूरह पैगंबरों के नाम से शुरू होते हैं। 39 क्वेश्चन है, 632 एडी चार्टर ऑफ मदीना, यानी चार्टर ऑफ मदीना कब हुआ था? 632 एडी को हुआ था। और 40 क्वेश्चन है, 6666 इज नंबर ऑफ आयात, यानी कुरान में कितने आयात हैं? 6666। 41 क्वेश्चन है, 7.5 तोला यानी 7 से 1/2 इज निसाब ऑफ गोल्ड एंड 52.5 52 से 1/2 तोला फॉर सिल्वर, यानी सोने के लिए कितना निसाब है? 7.5 तोला। और चांदी के लिए कितना निसाब है? 52.5 तोला। 42 क्वेश्चन है, 722 लैंग्वेजेस वर अंडरस्टूड बाय हजरत इदरीस। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तकरीबन समझ सकते थे, उसको समझ में आते थे 722 जबानें वो जानता था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर थे कि वो 722 जबानें उसको समझ में आते थे, उसको वो बोल सकते थे। और 43 क्वेश्चन है, 8 सिपारा स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह, 8 सिपारा शुरू होता है बिस्मिल्लाह के साथ। 44 क्वेश्चन है, 86 मक्की सूरा, मक्की सूरा की तादाद कितनी है? 86 है, जबकि मदनी सूरा की तादाद 28 है। यहाँ पर 44 क्वेश्चन के साथ ये सवाल भी है कि मक्की सूरा की तादाद 86 है और मदनी सूरा की तादाद 28 है। इसी तरह 45 क्वेश्चन है, 99 नंबर ऑफ आयात डिस्क्राइब खत्म नबूवत, 99 आयात खत्म नबूवत के बारे में आए हैं। कितने आयात? 99 आयात किसके बारे में आए? खत्म नबूवत के बारे में। 46 क्वेश्चन है, ए ड्रेडफुल अर्थक्वेक वाज सेंट टू द पीपल ऑफ लूत, एक खौफनाक जिलजिला आया था, किसके कौम पर आया था? लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर आया था। 47 क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ मदीना मेट प्रॉफिट इन 11th नबी, एक ग्रुप आया था आप सल्लम के पास 11 नबी में। 48 क्वेश्चन है, अ पर्सन हु परफॉर्म प्रेयर अलोन इज मुनफरेद, यानी वो शख्स जो अदा करता है नमाज अकेला अलीहदा, उसको मुनफरेद कहते हैं। 48 में यानी वो शख्स जो अकेला नमाज अदा करता है उसको मुनफरेद कहते हैं। 49 क्वेश्चन है, ए ट्री इन हिल एमर्जिंग फ्रॉम इट्स बेस इज जकून, यानी वो दरख्त, ए ट्री इन हिल एमर्जिंग फ्रॉम इट्स बेस इज जकून, यानी वो दरख्त जो एमर्ज हो रहा है जहनम से उसकी उसको जकून कहते हैं। 50 क्वेश्चन है, ए वायलेंट स्टॉर्म वाज सेंट टू बानी आदम, एक कुवत एक जोरावर एक ताकतवर तूफान आया था किसके कौम को? बनी आद को।